हे गाइस, वेलकम 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 बैक। और आज हम लोग एक और नॉस्टैल्जिया गेम की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस गेम की डिमांड ना बहुतों ने दे रखा है, वो भी काफी टाइम पहले से। सो देर आए दुरुस्त आए, एंड आप लोगों ने सही गेस किया, प्रिंस ऑफ पर्सिया वॉरियर विदिन, वन ऑफ द डार्केस्ट गेम प्रिंस ऑफ पर्सिया की पूरी सीरीज में से। ऐसा इसलिए नहीं कि बैकग्राउंड पूरा डार्क है, पूरा काला काला दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने भी खेला है और इसकी बैकग्राउंड चेक किए हैं, दे नो, ठीक है, हमको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाले। सो हियर वी आर। भाई साहब, जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है ना भाई, पूरी अच्छी वाइब दे रही है। खैर, तो हम इसको ना बहुत पहले नॉर्मल में खेलने का ट्राई किए थे और हमसे हुआ नहीं, बहुत टफ लगा था। सो हम उसको ईजी में ही कम्प्लीट किए हैं, लेकिन इस बार गाइज हम लोग इसको हार्ड में खेलने वाले हैं। एंड आई रिमेम्बर, हमको याद है कि इस गेम में ना दो एंडिंग है। अब हमको नहीं मालूम कौन सा हैप्पी एंडिंग है, कौन सा बैड एंडिंग है, हमको नहीं मालूम, लेकिन दो एंडिंग तो था। उसमें से एक दहाका वाला था, और वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा टफ था। हाँ भाई, ईजी में भी। सो इस नाइटमेयर को हम हार्ड में खेलने जा रहे हैं। लेट्स सी उस पहले वाले टाइम में और अब वाले टाइम में हम इस डर का कैसे सामना कर पाते हैं। एंड बाय द वे, गेम काफी पुरानी है, तो हम स्क्रीन रिजोल्यूशन को अभी तक ढंग से फिक्स नहीं कर पाए हैं, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो ये आई गेस बेबीलोन ही है, पता नहीं, काफी टाइम बाद खेल रहे हैं, तो हमको प्रिंस कहाँ रहता था वो हमको नाम सब हम भूल चुके हैं, लेकिन हमको ऐसे कुछ याद आ रहा है। एंड ये जो लुक है ना भाई, ये असासिन क्रीड का प्रोटोटाइप है। यही कारण से प्रिंस ऑफ पर्सिया के जो फैन है ना भाई, बहुत क्रिटिसाइज किया है यूबीसॉफ्ट को, और अब भी करते हैं। और ये सच भी है कि असासिन क्रीड ने प्रिंस ऑफ पर्सिया का पूरा जगह खा लिया। खैर छोड़ो, पूरा ध्यान गेम में देते हैं। स्पाइडरमैन, अरे भाई दौड़ के ऊपर ऐसे वॉल जंप दो तीन बार करके ऊपर पहुंच सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ में प्रिंस को भाई अपना पोज ही देना था। एंड या गेम काफ़ी पुराना है, लेकिन इस गेम को हम लगभग रिलीज के 11-12 साल बाद खेले थे, ठीक है, वो मेरे बचपन का टाइम था। सबका अपना अपना बचपन का टाइम होता है, गेम चाहे वो नई हो या पुरानी ही क्यों ना हो, आपने अगर उस गेम को अपने टाइम में खेला है तो भाई वो आपके लिए नॉस्टैल्जिक तो बन ही जाएगी। एंड बाय द वे, जब इस गेम को हम खेले थे उस टाइम हम बच्चे तो नहीं थे, बताना पड़ता है, क्या कि तुम लोग गेस करने लग जाते हो। और हाँ, ये जिसको ये बता रहा है ऐसे बोलता था कि भाई ये उसका बेस्ट फ्रेंड है जो मर जाता है। खैर, पीछे में कुछ शैडो जैसा कुछ दिखा था, अब क्वालिटी भाई इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंस इसका, इनफैक्ट उस टाइम के बहुत से गेम में ये सब था ही। खैर, हमारे शिप में अटैक हो चुका है और सारे तैयारी कर रहे हैं लड़ने के लिए। एंड हाँ, प्रिंस का ये लुक हमको नहीं पसंद है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई गुस्सा नहीं करेगा, मतलब ये साफ सुथरा नहीं दिखता है, प्रिंस जैसे नहीं दिखता है, एक वॉरियर जैसे दिखता है। लेकिन हाँ, इस गेम में बाकी सीरीज से सबसे ज़्यादा एक्शन, अरे भाई हमको लग रहा था हम कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम मिस कर रहे हैं भाई। दिस इज द गेम, दिस इज गोट, दैट्स वाई इट्स गोट। एक्शन तो यही है भाई, लिटरली हम पीछे मुड़ के देख रहे थे, कोई देख तो नहीं रहा है। एक्चुअली मेरा जहाँ पीसी रखा है उसके जस्ट पीछे दरवाजा है और वो लॉक नहीं होता है, तो डर भय नाम का भी कोई चीज है भाई। सो यहां मैं समझ लो भाई कि ये पैंटे पहनना भूल गए, ठीक है, बस आर्मर पहन के आ गई। ओ भाई, एक दो सेकंड के लिए तो प्रिंस भी फिदा हो रहा है। ए ना, इसका दांत तुम लोग देखना, तुम लोगों ने नोटिस किया, इसको पॉज करके दोबारा से देखना, ऐसा लगता है ना जैसे खैनी खा के आई है। तुम लोग एक बार नोटिस करना गाइस। ओके भाई, सब मरे जा रहे हैं, प्रिंस का है हमारा। ऑल राइट गाइस, इट्स टाइम फॉर एक्शन। ओके, ओ नहीं,
ठीक है, थोड़ा सा हमको फॉर्म लेने में टाइम लगेगा। क्या किया तो था, रुको एक सेकंड, ऐसे तो इसका तलवार छीनते हैं। अच्छा इसको ऐसे मार ही देते हैं। ठीक है, तलवार इसका उठा लो, अब मारते हैं भाई बाकी लोग को। ओके ये, अरे भाई ठीक है, हम थोड़ा बहुत भूल चुके हैं कॉम्बो। एंड बाय द वे इसने बाकी पूरे सीरीज से बहुत ज़्यादा कॉम्बो है, मतलब कि ज़्यादा फाइट। एंड अगेन स्लो मोशन गाइज, यही तो है इसमें, यही तो जान है इसकी, मतलब ये इसकी जान नहीं है बट ये बहुत ज़्यादा कूल लगता है। ओके ठीक है, हाँ याद आ गया, इसमें काउंटर अटैक बहुत इजीली होता है, इससे पहले वाला पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, दरवाज़ा नहीं खुला वैसे, हम लोग को जाना कहाँ। ओके हम इसी का वेट कर रहे थे। ठीक है तो हमें यहाँ जाना है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो चलो भाई, पहले तो पानी पियो। क्या बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है ना गाइस। हाँ चलो, अब इन लोगों को ये पोल में, हाँ ऐसा कुछ करना था। और एक बार, एक मिनट, हम सोड वाला, हाँ ये ज़्यादा अच्छा है। फिर से पानी पीना पड़ेगा। ओके ऑल राइट, तो इसे मारने का हमें मौका नहीं मिला भाई। जो म्यूजिक बज रही है ना, ये आजकल के गेम में क्यों नहीं बजता, हम ये सोचते हैं, मतलब कि आजकल का गेम ऐसे बनेगा तब ना। सो दैट्स व्हाई ओल्ड इज गोल्ड गाइस। ओके वाह, ये होता स्लो मोशन लेकिन ठीक से दिखाने की हम कैसे अटैक किए। ठीक है, कुछ कुछ एक्शन तो हमको अभी भी याद है, मतलब कि कुछ कुछ मूव्स हमको याद है, कॉम्बोस हमको याद है। यहाँ में कितना खराब दिख रही है सच्ची। ओ भाई ओके ठीक है, हाँ जैसा कि हम बोले थे काउंटर अटैक इसमें थोड़ा इजी है। ठीक है, अभी तक तो उतना हार्ड लग नहीं रहा है, शायद आगे लगे। ओके ठीक है ठीक है, हम थोड़ा बहुत फॉर्म में आ रहे गाइस, फॉर्म में आ रहे हैं हम। आप लोगों ने सुना गाइस, तुम लोगों ने सुना ही होगा ये क्या बोला, तो ये सब रीजन के कारण ये डार्क की लिस्ट में चला गया था। ओके कैमरा, हाँ कैमरा इसमें फिक्स रहता है मैक्सिमम, बहुत सारे जगह में फिक्स कैमरा रहता है। ओके ठीक है, ऑल राइट, सो दैट्स व्हाई बहुत जगह हमको दिक्कत होने वाला है। Is that the best you have to offer? ठीक है, हमको थोड़ा सा, कहाँ गई भाई। ओके आओ भाई आगे आओ। अरे अच्छा ये ओके, अरे फिर बच गई और अच्छा से, ओके डैमेज भी कर गई। और हाँ ये चीज आप लोगों ने नोटिस किया, इसने क्या किया कि, हाँ इसका नाम हमको नहीं मालूम गाइस, तुम लोग बताना जरूर। ठीक है, इसका नाम क्या, हम गूगल सर्च नहीं करने वाले, तुम लोग बताना कि इस लड़की का नाम क्या है। और हाँ हम बोल रहे थे कि उस सोर्ड को उसने कैसे, मतलब कि उस लकड़ी के पट्टे में, मतलब कि फंसा दिया था। अरे ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, अभी जस्ट ऐसा लगा कि सीढ़ी घिस गया। पता नहीं तुम लोग सीढ़ी समझ पाओगे कि नहीं, तुम लोग नए हो या पुराने हम नहीं कह सकते, लेकिन सीढ़ी जब घिसता है तो ऐसे ही कुछ होता है। VHS, खैर छोड़ो, अपने पास्ट के बारे में बता रहा है। एंड हाँ ये प्रिंस ऑफ पर्सिया का सेकेंड पार्ट है, यूबीसॉफ्ट, मतलब कि यूबीसॉफ्ट के तरफ से जो रिलीज हुई है, पब्लिश हुई थी, ये उसका सेकेंड पार्ट है। एंड आप लोग को बता दें कि इससे, इसका जो पहला पार्ट है और इसका जो तीसरा पार्ट है,
वो दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग को चैनल में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट जा सकते हो, ठीक है? ओके, तो यहाँ में यही बता रहा है कि प्रिंस ने पहला पार्ट में जैसे आवर ग्लास सैंड का जो था उसको अनलीज कर दिया था बाय डैगर सैंड्स ऑफ टाइम, नहीं डैगर ऑफ टाइम, यस, उसको अनलीज करने के बाद इसने मतलब कि टाइम में इसने छेड़छाड़ किया था। सो दैट्स व्हाई एक क्रिएचर है गार्डियन ऑफ टाइम, उसी का नाम है डहाका, और अब वो इसके पीछे पड़ा हुआ है। सो यहाँ में ये बाबा जी प्रिंस को यही बता रहा है कि जहाँ में आवर ग्लास बना था जिसमें सैंड्स ऑफ टाइम भरा हुआ है, जो पहले पार्ट यानी द सैंड्स ऑफ टाइम में दिखाया गया था, उसे किसी महारानी ने क्रिएट किया था, बनाया था। ओ सॉरी, महारानी नहीं, प्रिंसेस राजकुमारी। सो बाबा जी यहाँ में उसको यही बता रहे हैं कि वो किसी आइलैंड की प्रिंसेस थी जहाँ में वो ये सब मैन्युफैक्चर कर रही थी। खैर इतना लंबा स्टोरी तो हम नहीं बता पाएंगे। सो और हम लोग गलती से वही आइलैंड आ गए जहाँ प्रिंस को आना था ताकि वो सब चीज़ ठीक कर सके, मतलब कि उसको ऐसा लगता है। खैर इतना लंबा स्टोरी बताना बहुत मुश्किल है, तुम लोग जानते हो, ठीक है, तुम लोग जानते हो कि क्या हुआ है। अब तुम लोग नए हो, आप लोग नए हो, देखो तुम कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी आप वर्ड यूज़ करते हैं, तो थोड़ा समझा करो, ठीक है। हमको नहीं मालूम कि आप लोग किस टाइप के पर्सन हो, तो बहुत कोई ऑफेंड हो जाते हैं, सो ठीक है, खैर छोड़ो। पानी हम ले लिए और हमारे पास बाय द वे लकड़ी है, ठीक है। हम वही बताने की कोशिश कर रहे थे कि सॉर्ड इसका फेंका गया है लेकिन फिर भी ये माई सॉर्ड टाइप से पकड़ के देख रहा था। ओके, ये चेस्ट तोड़ देते हैं एंड न्यू आर्ट वर्क अनलॉक्ड, ठीक है। यही तो वो चीज़ है जिसके लिए पहले बहुत खेला जाता था गेम को, यही चीज़ अनलॉक करने के लिए, बट अभी ये सब नहीं है, मतलब ये सब नहीं मिलता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ में हम लोग पानी पी के सेव कर सकते हैं, तो हम लोग ये करने वाले हैं नहीं क्योंकि भाई अभी तो थोड़ा लंबा खेलना है भाई। ओके, ओ भाई नहीं नहीं, ऑल राइट, ठीक है, बच गए, ठीक है। तो हम जैसा कि बोले थे फिक्स्ड कैमरा है, ठीक है, इस कैमरा को हम ऐसा मूव नहीं कर सकते हैं दायां बायां करके, जैसा है ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इस कारण से शायद हम बहुत बार मरने वाले हैं। हम गेम को रिट्राई जैसा कुछ नहीं करेंगे, मेरा पहला मतलब कि जैसा एक्सपीरियंस जो हम कर रहे हैं वही आप लोग को दिखने वाला है। ओके, तो नहीं 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 नहीं, हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ लो भाई। ओके, अब यहाँ से इस ओर, और यहाँ में एक, यस हमको याद था ये, यहाँ में एक चेस्ट रहता है। अरे भाई अंदर घुसो, ऑल राइट, ठीक है। तो इन लोगों से, अरे भाई ठीक है, आओ भाई मारो मारो भाई, मार लो, तुम लोग को प्रोग्राम नहीं किया गया है भाई इस चीज़ के लिए। खैर तो हाँ, इसमें ऑटो फोकस है, ठीक है, ऑटो फोकस कैसे बोले, ठीक है। यहाँ में भी एनिमी, हाँ जैसे ही एनिमी आता है ना प्रिंस उसकी ओर मुड़ जाता है, तो ये ऑटो फोकस है जो हमको आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत करने वाला है, मतलब कि आगे बढ़ने के लिए हमको इन लोगों को मारना ही पड़ेगा। यहाँ तो चलो ठीक है हम पार हो जा रहे हैं लेकिन आगे बहुत दिक्कत होने वाला है, तो देखते हैं किस तरह से करना होगा। ओके भाई, हमें पहला सोर्ड मिल चुका है, मतलब कि पहला तो नहीं है लेकिन इस आइलैंड में आने के बाद पहला सेकंड वेपन, एक तरह से पहला रियल सोर्ड, इससे पहले तो ये लकड़ी पकड़ा हुआ था, अभी भी पकड़ा है। ओके, स्पाइडर सोर्ड, ठीक है, ठीक है, कॉमन सोर्ड है एक तरह से इस आइलैंड में,
ऑल राइट, सबसे लड़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल, हमारे पास थोड़ा कमजोर तलवार है। अरे भाई, तो ज़्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी पानी पीने की जरूरत नहीं है। हमारा हेल्थ थोड़ा सा घटा हुआ जैसे हमको दिखा। खैर छोड़ो, ठीक है। अब ये क्रो वाला, यहाँ में बहुत सारे क्रो मिलके एक बड़ा सा ह्यूमन क्रो बनता है, इससे भी हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। एंड बाय द वे, क्रो इज़ माय फेवरेट बर्ड, ठीक है, चिड़िया में मेरा हाँ बहुत अजीबोगरीब मेरी चॉइस है, लेकिन अब ऐसे ही है गाइज, ऐसे ही है। ओके, वैसे हम लोग उस साइड से जा सकते हैं, लेकिन ये काइंड ऑफ शॉर्टकट है। चलो अच्छा, हमको याद तो है। ओके, यहाँ और कहाँ तो जाना है, ओ नहीं, हाँ पीछे, ठीक है। तो इसके, हाँ इसके जो पजल्स है ना गाइज, अगर तुम लोगों ने खेला है तो तुम लोग बताना सबसे टफ पजल तुम्हें प्रिंस ऑफ पर्सिया की कौन से सीरीज में लगी है, ठीक है। मेरा तो ये वॉरियर विदिन है, टफ पजल, क्योंकि समझ में नहीं आता कि कहाँ जाना है और जाना भी मुश्किल रहता है, सो दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। यहाँ भी आई डोंट थिंक हमें लड़ने की ज़रूरत है, देखते हैं बच पाते हैं कि नहीं, लेट्स सी। ये जंप, अब जल्दी से यहाँ ऊपर चढ़ना है। ऑल राइट, अरे भाई यहाँ नहीं, ऊपर जाओ। अरे ओके, ठीक है, यहाँ में एक एनिमी है हमको पता है, तो हम अपना वेपन फेंक देते हैं। अरे ओके, ठीक है, भागो यहाँ से। मतलब ज़्यादा लड़ के कोई फ़ायदा नहीं है इन लोगों से, जब तक ढंग का सोर्ड नहीं आ जाता, मजबूरी में लड़ना पड़े वो अलग बात है। ठीक है, बहुत कुछ हमको याद आते जा रहा है वारियर दिन का। ओ भाई, ओ हाँ, ये हम लोग पास्ट में, नहीं नहीं पास्ट नहीं, प्रेजेंट है ना। ओ नाइस फिगर गाइस। ओ भाई यहाँ भी, ठीक है, हमको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब हम दिखा नहीं सकते गाइस। ठीक है, तो ये अब ये पास्ट में आ गया है, ठीक है। ये ना एकदम बेवकूफ़ी वाला यहाँ में काम किया है, पीछे से छुरा घोप सकती थी लेकिन लात मार के भाग गई। ठीक है, तो हमें मिल गया है रिकॉल। हम लोग टाइम को पीछे कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो हमें पानी पी लेना चाहिए, और हाँ ये हैव टैब दबाने से, ठीक है, ये मैप, ये जो मैप है ना, ये कोई मतलब नहीं है, किसी मतलब कि कुछ मतलब नहीं है इस मैप का, ठीक है। हमें सेव नहीं करना अभी फ़िलहाल, अभी तो स्टार्ट किए हैं। सबसे बेकार मैप है, तुम लोग बताना ये मैप से तुम लोगों को क्या समझ में आता है। मैप से बस इतना समझ में आता है कि हम लोग कहाँ हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता चलता कि हम लोग को जाना कहाँ है, किस साइड से जाना, कैसे जाना, कुछ पता नहीं चलता। वो मैप बस इसलिए है, मतलब क्यों बनाए हम लोगों ने मैप, समझ में नहीं आता है। ओके, हमको वहाँ में एक चेस्ट दिख गया, उसको भी तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ में हमें रन, अच्छा यहाँ से हम लोग वापस निकल रहे हैं, ठीक है ठीक है। ऑलराइट, फिर एक और अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग ओके ऐसा करते हैं इसमें। ओके, तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, जब तक ये जगह खाली नहीं हो जाता ना, तब तक हम लोग यहाँ से जा नहीं सकते हैं। और एक बार ट्राई करते हैं। अरे भाई, ठीक है, अब लड़ना ही पड़ेगा। फेंक क्यों रहे? अरे भाई, फेंक में, मतलब फेंकने में बहुत कम डैमेज होगा। ओके, और एक बार, यस, अब लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ से जंप,
नीचे वाले लोग कितने परेशान हैं भाई, कब उतरेगा। अगर सोचो गाइस, अगर अरे भाई यहाँ नहीं जाना है, हाँ तो हम बोल रहे थे अगर ये लोग पीछा भी करते ना तो कितना डेंजर नहीं हो जाता गाइस। पीछा करते दौड़ा रहे हम लोग, जहाँ जहाँ भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं वॉल पे, वो भी रन करके पीछा कर रहे हैं, वो लोग भी वॉल रन कर रहे हैं और पीछा कर रहे हैं। सबसे बिगेस्ट फियर बन जाता वो। ओके, तो यहाँ हम इसलिए आए ना क्योंकि यहाँ में एक लाइफ अपग्रेड है, ठीक है। लेट्स सी उसको हम कर पाते हैं कि नहीं, पहले इन लोगों को हम फेंक दें, नहीं तो ये लोग परेशान करेंगे, हम जा नहीं पाएंगे। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा लड़ने से अच्छा फेंक दो भाई। ओके, तो चलो भाई, लाइफ अपग्रेड का शॉर्टकट रास्ता यहाँ में, हम लोग लाइफ अपग्रेड कर सकते हैं जल्दी। कम ऑन, यस। ओ भाई बाल बाल बचे हैं, रन। अरे भैया जल्दी आना, भागो भागो। ओके ठीक है, हम लोग करीब हैं। ऑल राइट, बच गए, बाल बाल बचे हैं। यस, ये इजीली हम पहुंच गए। और हाँ, ये कोई बताएगा अगर तुम में से कोई जानता है, प्रिंस ऑफ पर्सिया फैन है, तो ये जो चेस्ट में लिया हुआ है जिसे टाइम सबको रिवर्स करेगा, रिकॉल करेगा, जो भी, ये इसको मिला कहाँ से, पहले ये बताओ भाई, ये कैसे आया। चलो पहला पार्ट में कैसे आया वो भी पता है, सेकंड पार्ट में कैसे आया ये भी पता है, लेकिन सेकंड नहीं, थर्ड पार्ट में हम बोल नहीं पा रहे ठीक से। ओके, तो थर्ड पार्ट में कैसे मिला है वो भी पता है, डैगर ऑफ टाइम मिलता है प्रिंस को कैसे मिलता है वो भी पता है, लेकिन ये जो सिक्का जैसे है, मेडालियन जैसा है, ये कैसे मिलता है भाई इसको। ओके, देखो जो हमको अगर दिखता है ना, मतलब कि दिखेगा तो हम इस सबको खोलेंगे, नहीं तो हम नहीं खोजने वाले। अरे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है यहाँ से नीचे, आई होप, यस। हमको लग रहा था कहीं ये मर ना जाए। ओके, ये थोड़ा, ये सब थोड़ा मतलब सर चकराता है मेरा, ठीक है। ये लोग भाई बहुत परेशान करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं हम सोर्ड, आई होप हम सही थ्रो करें, यस। चलो फाइनली, ओके चलो इसको भी फेंक देते हैं। चलो भाई स्लो मोशन, वाओ, ठीक है। तो ये ब्रिज टूटा हुआ था, ठीक है, तो हम लोग फास्ट में आके, ओके नहीं, हाँ ये नहीं करना था हमको, लड़ना नहीं है भाई, यहाँ बहुत भीड़ है, ठीक है। तो हम लोग पास्ट में आए हैं, सो दैट्स वाई ये जो ब्रिज है वो एकदम फिक्स हो चुका है, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस आइलैंड में हम लोग पास्ट प्रेजेंट का ही खेल खेलने वाले हैं, मतलब कि जो चीज़ अगर काम नहीं हो रहा तो हम लोग पास्ट में आएंगे, एंड जो चीज़ कहीं और काम नहीं हो रहा है तो हम लोग प्रेजेंट में आएंगे, यही करना है यहाँ में। एंड प्रिंस का आने का मकसद यही है कि यहाँ में आके वो सैंड ऑफ टाइम जो है, जो आवर ग्लास है, हाँ, उसको क्रिएट होने से रोकना है, ताकि जो पहला पार्ट का जो इंसिडेंट है वो ना हो। आवर ग्लास क्रिएट ही नहीं होगा तो प्रिंस को वो आवर ग्लास को अनलिस्ट करना ही नहीं पड़ेगा, सो दैट्स वाई डहाका भी प्रिंस के पीछे नहीं आएगा। यही प्रिंस का मिशन है इस, मतलब कि इस गेम में। एंड डहाका वो गार्डियन है जो मतलब कि बिगड़ा हुआ टाइम को फिक्स करता है। डहाका के हिसाब से प्रिंस इस टाइमलाइन का नहीं है, तो वो सीधा तरह से इसको मार देगा। ओके, हम लोग आके डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, यस यस कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा देख के लगता है कि पहुंच सकते हैं, तो भाई एक बार जंप कर लो भाई, रिकॉल है हमारे पास, सुधारने का टाइम मिल जाएगा। ओके चलो भाई, सही गेस किए थे, हमको लग रहा था नहीं पहुंच पाएगा प्रिंस। ऑल राइट, लड़ने का टाइम नहीं है। ओके, ठीक है,
इसको, अरे भाई ये नहीं करना था, ये परेशान न करे हमको इसको। चलो भाई नीचे जाओ और आगे बढ़ो। एक था लैडर वाला था, रुको हम, रुको नहीं मतलब हम भूल जा रहे हैं, एक लैडर में उतरते टाइम कैसे अटैक करता था प्रिंस। यस यही तो हम करना चाह रहे थे। ओके स्पेस से होता है, तभी भी हम स्पेस दबाया था लेकिन काम नहीं किया था उस टाइम, उसके ऊपर से पार हो गया था। ऑल राइट गाइस, आई थिंक हमने आज कुछ ज़्यादा खेल लिया है, तो ऐसा करते हैं आज के लिए, ठीक है आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही इसको कंटिन्यू करेंगे। मतलब समझ लो आज ये अपलोड हुआ, इसका नेक्स्ट डे मतलब कि इसका अगला पार्ट आएगा। सो अगर आप लोग को ये सीरीज़ अच्छी लगी, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हिट द लाइक बटन गाइज, उससे बहुत सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है चैनल को ग्रो होने में। सो गाइज मिलते हैं आप लोगों से इसका नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।